हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो रेडिएशन पे, जहाँ पे बातें होती है सिर्फ रेडिएशन की, जिसमें हम डीआरटी और बीआरटी फर्स्ट ईयर की क्लासेस को ले रहे थे, जिसमें आज हम एक लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीआरटी और बीआरटी दोनों फर्स्ट ईयर का, और समझना इस ये बेस है एक तरीके का, ये बेस आपको मजबूत होगा तो आगे आपको टॉपिक्स में बहुत इजी होगा। ठीक है, तो इसको हम समझना है इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। इसके वर्ड के ऊपर जाते हैं, इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब हम क्या समझते हैं, किसी भी वेव का है, पार्टिकल किसी से टकराना, रिएक्शन करना, इंट्रैक्शन कहलाता है। इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन हमने जाना था वेव के पार्टिकल फॉर्म में, एक्सरे, गामा रे, अल्फा, बीटा कण, तो यहां हम बात करेंगे एक्सरेज की। विथ मैटर, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, मैटर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम इसकी जो इफेक्ट्स है उन पे आने से पहले एक बार बात करेंगे अटेन्यूएशन के ऊपर। ठीक है, अटेन्यूएशन क्या है, ये टर्म्स बार बार आएंगी। अटेन्यूएशन का मतलब है किसी भी वेव को रोकना। अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, ये मान लो कोई मैटर है, ठीक है, अब यहां पे तीन वेव आ रही हैं, वेव एक ही है, यहां पे तीन वेव्स आ रही हैं, तीनों सेम है। अब उनके साथ तीन कंडीशन हो सकती है, या पहली कंडीशन, या तो पूरी ट्रांसमिट हो जाए जैसे थी वैसे निकल जाए, दूसरी या वो पूरी अब्सॉर्ब हो जाए, बाहर कुछ भी ना निकले, और तीसरी स्कैटर, वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, वो स्कैटर हो जाए। तो अटेन्यूएशन जो वर्ड है, ये अटेन्यूएशन वर्ड प्रदर्शित करता है इस अब्सॉर्प्शन और इस स्कैटरिंग को, इन दोनों के कॉमन जो नेम कहना चाहे हम अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन मतलब जो रेडिएशन आ रही है आपकी, उसके उसको रोकना, या वो किस तरह मैटर से इंट्रैक्ट करती है, किस तरह मैटर से रिएक्शन करती है। देखो, हमने एक्सरे ट्यूब में एक्सरे बना, एक्सरे निकाल दी हमने, अब वो एक्सरे किसी मैटर से क्या रिएक्ट करती है, क्या इंट्रैक्ट करती है, क्या होता है वहां पे एटॉमिक लेवल पे, वो हम जानेंगे इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर के अंदर। अब इसको चीजों को बिल्कुल इजी करके समझाना चाहो तो बस इतना ही है कि कोई रेडिएशन है, मान लो एक्सरे ट्यूब से आई, ये रेडिएशन हमें इमेज बनानी है एटलीस्ट लास्ट में। तो अब ये एक्सरे पेशेंट की बॉडी से या डिटेक्टर से किसी से भी किस फॉर्म के अंदर इंट्रैक्ट करती है, क्या होगा उस रेडिएशन का किसी भी पार्ट से टकराने के बाद, वो इन पांच कंडीशन में ओनली। अगर कोई रेडिएशन किसी एटम से किसी मैटर से टकराती है तो पहले से अटेन्यूएशन, या तो वो रेडिएशन पूरी अब्सॉर्ब हो जाएगी, या पूरी ट्रांसमिट हो जाएगी, या वो अपनी डायरेक्शन, अपनी इंटेंसिटी रिड्यूस कर देगी, लॉस कर देगी। और इसमें एक पॉइंट बड़ा ध्यान रखने योग्य है, वो ये है कि जितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन आती है, द इंटेंसिटी ऑफ इंसाइडेंट रेडिएशन, जितनी इंटेंसिटी इसकी होगी, हमेशा हमेशा जो इंसाइडेंट इंटेंसिटी होती है, जो आने वाली इंटेंसिटी है, वो ज्यादा होगी तुलनात्मक रूप में निकलने वाली के। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो इंटेंसिटी है वो कुछ ना कुछ जरूर रिड्यूस होगी अब पार जाने के लिए, पार जाने के लिए। अगर मैं इसको आई मानू, इसको आई नॉट मानू, इसको आई मानू, तो आई नॉट ग्रेटर देन आई, जो इंटेंसिटी है वो इंसाइडेंट, आने वाली इंटेंसिटी हमेशा ज्यादा होगी गुजरने वाली से। वो ऑब्वियसली हम जानते ही हैं, अटेन्यूएशन होगा तो उसकी एनर्जी गिरनी गिरनी है, इसलिए जो आने वाली रेडिएशन उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। एक पॉइंट और यह है कि अगर कोई रेडिएशन आ रही है उसे हमें पूरी तरह स्टॉप करना है, तो उसके लिए हमें इनफाइनाइट रुकावट की जरूरत है, रेजिस्टेंस की जरूरत है। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता
कोई रेडिएशन आए और वो कितना ही आप भारी कुछ रख दो उसके पार कुछ जाएगा नहीं, जरूर जाएगा। हमें इनफाइनाइट थिकनेस की जरूरत है अगर किसी भी रेडिएशन को, उसके इंटेंसिटी को जीरो करना है, जीरो कभी नहीं होगी। तो हम इन पांच इफेक्ट को बारे में आज की बात करते हैं कि ये है क्या। अब हम सुन लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन, कोहरेंट, पेयर प्रोडक्शन, लेकिन इसको ऊपर से देखना बहुत जरूरी है। इसका इस वर्ड में इसका जवाब छुप रखा है। जो रेडिएशन है, एक्सरे हो, गामा रे हो, वो हमारी बॉडी में, हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते तो गामा रेज लगती है ना हमारे कैंसर सेल के ऊपर, तो क्या इफेक्ट करती है इनमें से, पेशेंट के ऊपर गुजरती है। एक्सरे हम बनाते हैं, हाथ का एक्सरे ले रहा हूं, तो एक्सरे आएगी सबसे पहले हाथ पे टकराएगी, हाथ पे क्या होगा उस रेडिएशन का और इस हाथ के बीच क्या रिएक्शन होगी, वो है इफेक्ट। रेडिएशन गुजरने के बाद जिस डिटेक्टर के ऊपर टकराएगी वहां पे क्या होगा, कौन सा इफेक्ट होगा, वो है ये। तो यार रेडिएशन मैटर से टकराने के बाद कौन कौन सी कंडीशंस है, वो कहाँ कहाँ उसकी एनर्जी तब्दील कन्वर्ट हो सकती है, वो बताया गया है इनमें, इसके पांच इफेक्ट में, कि रेडिएशन का ये हो सकता है। पहला आता है कोहेरेंट इफेक्ट। देखो इनको डीप में समझेंगे हम एक 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 लेक्चर की, एक एक अगले लेक्चर में, ठीक है। आज हम थोड़ा ऊपर ऊपर से बातें कर लेते हैं इनकी। कोहेरेंट इफेक्ट में क्या होगा, अब इसको एटम बना के समझाऊं। देखो कोहरेंट इफेक्ट में क्या होगा, हमारी जो भी रेडिएशन है, जो भी एक्सरे है, वो आएगी और बिना कुछ करे, बिना कुछ चेंजेस करके, अपनी डायरेक्शन बदल के, बस जितनी इसकी एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी गुजरने वाली की रहेगी, बस डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे यहां पे ये रेडिएशन आई कि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम है, केवल इसकी डायरेक्शन बदली है। ऐसे ही अगर ऐसा हो रहा है, ये काम करता है पूरा पॉसिबिलिटीज में, संभावनाओं में, प्रायिकता में, कि कुछ भी हो सकता है। कोहेरेंट इफेक्ट है उसमें ये कंडीशन है कि अगर रेडिएशन आ रही है, आने वाली रेडिएशन और जाने वाली रेडिएशन दोनों की एनर्जी, दोनों की वेवलेंथ समान है, किंतु डायरेक्शन में चेंज आ गया, तो वो होगा कोहेरेंट इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, के और एल शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको ये इमिट कर देगी रेडिएशन। क्वांटम में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, रेडिएशन आएगी उनको हटा देगी और चल जाएगी। पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा, रेडिएशन आएगी वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी, या एनर्जी मास कंजर्वेशन रूल चलेगा, E=mc2। फोटो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में रेडिएशन आएगी और न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट कर देगी। तो ये कुछ इफेक्ट हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर वाइज प्रॉपर समझते हैं, ठीक है। अब इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस।